हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे करवा चौथ व्रत की पूजन विधि के बारे में। तो चलिए पहले पूजन सामग्री देख लेते हैं। करवा चौथ की पूजा में गौरी पूजा का विशेष महत्व होता है। तो जहाँ तक संभव हो सके तो पीली मिट्टी की गौरी माँ की मूर्ति जरूर बनाएं, साथ ही शिव जी की भी मूर्ति जरूर बनाएं, क्योंकि गौरी माँ की पूजा अकेले नहीं की जाती। इसके अलावा और सामग्री लिस्ट के रूप में देख लेते हैं। गौरी शंकर की मूर्ति या फोटो, करवा माँ की फोटो, उनको आसन देने के लिए पटा या पीड़ा, सुंदर लाल कपड़ा, दो करवा दीपक, ऐपन करवा सजाने के लिए, करवा भरने के लिए मिठाई, सूखे मेवे, आम के पत्ते, दक्षिणा दीपक, अष्टदल कमल बनाने के लिए, आटा, गणेश जी की स्थापना के लिए सुपारी, मौली, धागा, पूजन के लिए जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य, गौरी माँ और सासू माँ के श्रृंगार के लिए चूड़ी, बिंदी, जो भी आपकी श्रद्धा हो। कथा पुस्तक, हवन सामग्री, आरती का सामान, कपूर, दीपक, चंद्रमा के लिए पूजन सामग्री, चलनी, दीपक, व्रत खोलने के लिए पानी, मिठाई आपको चाहिए होगी। अब बात करते हैं पूजन विधि के बारे में। तो करवा चौथ के दिन सुबह आपको रोज की तरह ही सामान पूजा करने के साथ साथ हाथ में चावल लेने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, कृपया करके अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इसके साथ ही अब बात करते हैं रात की पूजा की तैयारी के बारे में। तो सबसे पहले एक पटा या पीढ़ा बिछा के उसमें कपड़ा बिछाने के बाद भगवान की प्रतिमा को आसन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद आप अष्टदल कमल का निर्माण कीजिए। अष्टदल कमल बनाने के बाद उसमें कलश की स्थापना कीजिए। कलश की स्थापना के साथ ही सुपाड़ी में मौली बांधकर गणेश जी की भी स्थापना कीजिए। और गणेश जी की स्थापना के बाद दोनों करवों में ऐपन की मदद से 13-13 बिंदियां लगाइए। ये 13 बिंदियां बहुत ही ज़्यादा शुभ होती हैं। तो 13 बिंदियां लगाने के बाद करवों को भरने की बात करेंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों में करवा भरने की अलग अलग रीतियां और विधियां होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक करवे में पानी भरा जाता है और इसी करवे के पानी से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद इसी करवे से हमें पानी पिलाया जाता है, साथ ही दूसरे करवे में मिष्ठान और सूखे मेवे भरे जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों करवों को भरने के बाद करवा रखने के लिए करवे के नीचे चावल रखिए और इसके बाद दोनों करवों में सीके लगाइए। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी पूरी होने के बाद पूजा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप कुश की मदद से स्वयं को पवित्र कीजिए। 3 बार अपने ऊपर जल छिड़किए, इसके बाद आचमन कीजिए। उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालकर आचमन कीजिए और पूजा प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले गणेश जी की विधिवत पूजा, उन्हें स्नान, चंदन, पुष्प, फल, मिठाई, धूप, दीप और नैवेद्य करने के बाद बाकी प्रतिमाओं, गौरी माँ की पूजा कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए और प्रतिमा में बने चंद्रदेव के साथ साथ जो भी और भी चित्र बने हैं मनिहारी नाउन वगैरह के, इन सभी की पूजा, विधिवत पूजा कीजिए। स्नान, चंदन, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य और गौरी माता को श्रृंगार जरूर चढ़ाइए। तो श्रृंगार आदि अर्पित करने के बाद आपको हाथ में गेहूं के 13 दाने लेने हैं। 13 दानों को हाथ में लेकर हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक व्रत की कथा पढ़िए और सुनिए। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के बाद आपको हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद आप विधिवत आरती कीजिए। सबसे पहले गणेश जी की आरती कीजिए, गौरी माँ की और शिव शंकर की आरती कीजिए। आरती करने के बाद अब करवा बदलने की विधि करनी होगी। तो करवा बदलने की विधि करने के लिए अगर आप किसी के साथ पूजा कर रही हैं तो आप उनके करवे के स्थान पे अपने करवे को बदलते हुए 7 बार बदलते हुए सुहाग दो सुहाग लो इस तरह से बोलते हुए करवा बदलिए। लेकिन अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो करवा बदलने की विधि करने के लिए आप अपना करवा उठाइए और प्रतिमा में बने करवे के चित्र से 7 बार छुआते हुए धरती में रखिए और माँ सुहाग दो माँ सुहाग दो बोलते हुए करवा बदलने की विधि की। तो करवा बदलने की विधि करने के बाद क्षमा याचना कीजिए और चंद्रदेव के उग आने के बाद अब चंद्रदेव की पूजा करेंगे। तो जो आपने करवा में जल रखा है उसी करवे के जल से आप चंद्रदेव को अर्घ प्रदान कीजिए और उन्हें अक्षत, चंदन, पुष्प वगैरह छिड़किए, चंद्रदेव की पूजा कीजिए और चलनी के माध्यम से चंद्रदेव के दर्शन कीजिए। चंद्रदेव के दर्शन के बाद आपको अपने पति की भी पूजा करनी चाहिए, उन्हें भी अक्षत, चंदन लगाइए और तिलक करने के बाद आप चलनी के माध्यम से उनके भी दर्शन कीजिए। इसके अलावा आपको चलनी के माध्यम से चंद्रदेव एवं पति देव दोनों के एक साथ दर्शन भी करने चाहिए। तो इस तरह से चलनी के माध्यम से दोनों के दर्शन करने के बाद अपने पति को मिठाई खिलाइए, पानी पिलाइए और इसके बाद अपने पति के हाथों से मिठाई खाने के बाद पानी पीजिए और अपना व्रत खोलिए। सारी विधि होने के बाद अपने पति के चरण स्पर्श करना मत भूलिएगा। तो ये थी करवा चौथ व्रत की पूजन विधि। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर पूजा से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो।